स्टूडेंट एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चंस को समझें, क्योंकि क्वेश्चन को समझ लेना ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। जितना अच्छा हम क्वेश्चन को समझ के करेंगे उतने ही उसका सॉल्यूशन इजी लगेगा। क्वेश्चन है कि 30 मेन कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन रीप द सेम फील्ड। एक चीज याद रखिएगा, जब वर्क टाइम का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि मैन पावर क्या है। यदि मैन पावर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और यदि मैन पावर कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन में आपके पास है कि हाउ मेनी डेज, देन यू विल राइट हियर लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट द नंबर ऑफ डेज बी इक्वल टू एक्स। ठीक, यहां पर आपने दिया डेज और यहां हो गया मेन। ठीक है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। 35 मेन फॉर 8 डेज, 20 मेन फॉर एक्स डेज। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखें, आदमी ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा हो गई और दूसरी तरफ कम हो गई। जब ज्यादा थे तो डे कम लगेगा, और जब कम होंगे तो डे ज्यादा लगेगा। इस तरह का साइन क्रिएट रहेगा, इस तरह का साइन क्रिएट होगा, और इस तरह के साइन में आपके पास यहां आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक, ये चीज आ गई। अब देखिए, यहां पर आपको समझाया गया था कि जहां हेड होता है एरो का, जो बड़ा नंबर होता है वो ऊपर रख देते हैं। ये आ गया। इस नंबर में क्या करेंगे हम, 8 अपान 8 रखेंगे। बड़े नंबर को ऊपर रख दो इन ई सिचुएशन। 20x इज इक्वल टू 8 मल्टीपल बाय 35, देन x इज इक्वल टू 8 इंटू 35 अपॉन 20। 4 2 जा 4 5 जा 5 7 जा, 2 मल्टीपल बाय 7 इक्वल टू 14 डेज। ठीक है, 14 डेज में 20 मैन इस वर्क को कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, 12 मैन कैन डिग अ पॉन्ड इन 8 डेज, हाउ मेनी मैन कैन डिग इट इन 6 डेज। तो यहां पर नंबर ऑफ मैन पूछा जा रहा है, तो आपने नोट कर दिया, लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स, मैन बी इक्वल टू एक्स। यहां आपने नोट किया मैन, और ये आ गया आपके पास डेज। 8 डेज में 12 मैन वर्क करते हैं, 6 डेज में वर्क कराना, तो क्या होगा, एक्स जाएगा। जब दिन ज्यादा था तो आदमी कम लगेंगे, जब दिन कम हो जाएगा तो आदमी ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर ये प्रोजिशन बनती है और यहां पर ये ऐसा बन गया। आपने क्या करना है, फिर आपको बताया था कि बड़े नंबर को ऊपर रख लो, यहां पर ये x बड़ा है तो x को ऊपर रख लो, 12 हो गया। ये इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये जो रिलेशन बना है, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x अपान 12, और यहां पर हो गया 8 अपान 6, देन 6x इज इक्वल टू 12 इंटू 8, x इज इक्वल टू 12 इंटू 8 अपान 6, 6 2 जा, और यहां पर जो आंसर आएगा 8 इंटू 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 16 में।
16 men. ये फाइनल आंसर है. डेज 8, men 12. x 6, 6 डेज में 16 men इसी वर्ग को, उसी वर्ग को, उसी पॉइंट को खोदने में टाइम लगा लेंगे. कितने लोग लगाएंगे? 16 men लगाएंगे इस वर्ग को काम करने में. इस क्वेश्चन को आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स टू वॉचिंग.